पे बोला जा रहा था 15 अगस्त को या फिर 16 अगस्त को शिबेरियम ब्लॉकचेन लॉन्च करी जाएगी और उसके बाद जो है शिबा इनू कॉइन टू द मून हो जाएगा यानी पंप करेगा, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं दिखा और उल्टा उससे जो है शिबा इनू कॉइन हमें लाल लाल दिख रहा है यानी नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। पूरी यहाँ पे कहानी क्या है, पूरा माजरा क्या है, क्यों शिबेरियम ब्लॉकचेन लॉन्च नहीं हुई और यहाँ पे आगे कौन से इवेंट्स और अपडेट्स हैं, पार्टनरशिप्स जो 3 हैं उसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जाके देख लीजिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। मेरा नाम है सर, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। अगर आपने क्रिप्टो टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हैं, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्रिप्टो टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो के रिलेटेड न्यूज, अपडेट्स एंड रिव्यूज मिलते हैं। सो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। नाउ अभी हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, अगर अभी आप देखोगे तो हम ship.io यहाँ पे इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर है। टोरंटो हेयर, वी आर थ्रिल्ड टू अनाउंस अवर प्रेजेंस दिस कमिंग, यहाँ पे ये ब्लॉकचेन का फ्यूचरिस्ट कॉन्फ्रेंस है ये जो यहाँ पे शिबा इनू इसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सून बिकम्स टुमोरो, तो यहाँ पे ये सारे जो है ट्वीट्स किए जा रहे हैं गुड मॉर्निंग शिबा में, Who's been hitting the replay button on our teaser trailer? तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, ये जो आपको चीजें दिख रही हैं, कुछ ना कुछ अपडेट्स जो हैं यहाँ पे शिबा इनू कॉइन के अंदर आ रहे हैं। यहाँ चाहे शिबेरियम ब्लॉकचेन की बात हो, शिबेरियम ब्लॉकचेन सीधा सीधा मैं आपको बोलना चाहूंगा, ना ही आज लॉन्च होगी ना ही यहाँ पे 15 अगस्त को लॉन्च हुई। जब भी शिबेरियम ब्लॉकचेन जो है वो लॉन्च होगी, ऑफिशियली लॉन्च होगी जो है शिबा इनू कॉइन के, हमें न्यूज मिलेगी, हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ पे वो लॉन्च इवेंट जो है वो बहुत बड़ा होगा। क्योंकि यहां पे एक आर्टिकल अगर आप देखोगे bitcoiners.com का, तो यहां पे जो इवेंट के अंदर यहां पे शिबा इनू के जो मालिक हैं कोसामा की स्पीच में, वहां पे उन्होंने कहा है कि शिबा इनू की जो कम्युनिटी है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर कम्युनिटी नहीं है तो हम नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं कंसर्न है शिबा इनू कॉइन के होल्डर्स को लेके, जो कि एक पॉजिटिव ट्वीट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, व्हाट मेक्स शिबा इनू यूनिक इज अवर कम्युनिटी, शिबा इनू को अलग क्या चीज़ बनाती है, वो उसके होल्डर्स हैं, वो उसकी कम्युनिटी है जो शिबा इनू टोकन के साथ प्यार करते हैं, जो शिबा इनू कॉइन को होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूंगा आपको, हम जो भी होल्डर्स हैं शिबा इनू को, वो प्यार तो करते हैं लेकिन उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है प्यार करने का। यहाँ पे अगर आप देखोगे 7 डेज के अंदर 1% का प्रॉफिट है, लास्ट 14 डेज के अंदर 19% का प्रॉफिट है, लास्ट 30 डेज के अंदर 25% का प्रॉफिट है, हालांकि पे 40% तक का भी प्रॉफिट जो है हमें देखने को मिला शिबा इनू कॉइन के अंदर रीसेंट टाइम के अंदर। और अगर आप देखोगे अपने ऑल टाइम और सॉरी 1 ईयर के अंदर यहां पे 39% लॉस के अंदर चल रहा है जिसने भी शिबा इनू कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होगा। उसके बाद अगर आप यहां पे देखोगे अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी 88% शिबा इनू कॉइन डाउन चल रहा है और यहां पे इसने 10 किल किया था, लेकिन ये दोबारा से 0.12345 जीरोस की सीरीज में आ चुका है क्योंकि इसने एक हाई बनाया था और अब जो है दोबारा से रिट्रेस हो गया, प्राइस नीचे जा रहा है। ऑब्वियसली जो है दोबारा से अगर पॉजिटिव न्यूज मार्केट के अंदर आती है, कुछ ना कुछ इतना बड़ा इवेंट हो रहा है जो कुछ ना कुछ उसके अंदर हमें जो है यहां पे टोरंटो के अंदर ये जो हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें कोई ना कोई बड़ी अपडेट जो है शिबा इनू कॉइन के अंदर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो पार्टनरशिप्स हैं वो ऑलरेडी एक पार्टनरशिप साइन हो चुकी है, दूसरी पार्टनरशिप के बारे में मैंने बताया और तीसरी पार्टनरशिप के बारे में कोई भी चीज़ डिस्क्लोज जो है वो नहीं की गई। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, शिबा इनू एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे शिबेरियम इकोसिस्टम, उसके बाद शिबा कैल्स, उसके बाद यहाँ पे शिबा स्वैप, उसके बाद शिबा इटर्निटी जो इनकी गेम है, उसके बाद शिब द मेटावर्स, ये सारी चीजें जो है आपको शिबा इनू कॉइन के अंदर देखने को मिल रही हैं। और यहां पे हालांकि शॉर्ट टर्म के अंदर इसका प्राइस जो है नीचे है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ऑब्वियसली जो है इसके अंदर एक लंबी हाइप बनेगी और बहुत बड़ा अमेजिंग प्रॉफिट इसके अंदर से देखने को हमें मिल सकता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। यहां पे बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि शिबेरियम जैसे ही लॉन्च होगी 15 या 16 अगस्त को तो यहां पे ये टू द मून हो जाएगा, ₹1 चला जाएगा, $1 चला जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, यहां पे लोग सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं व्यूज के लिए। तो आप लोगों को कहना चाहूंगा, अगर आप किसी को भी फॉलो कर रहे हो, अपने दिमाग जो है वो आपको जरूर लगाना है, क्योंकि आप अपनी मेहनत की कमाई जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको अपना दिमाग लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी या थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ पे आप लोगों के लिए मेरा एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है शिबा इनू कॉइन के अंदर प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं, यहाँ पे कितना प्रॉफिट के अंदर हैं और कितना लॉस के अंदर हैं, ये आप कॉमेंट में
में ज़रूर बताइएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने शिबा इनू कॉइन होल्ड किया हुआ है तो ऑब्वियसली मैं अभी जो है शिबा इनू कॉइन के अंदर 20-25% प्रॉफिट के अंदर हूँ, तो आप प्रॉफिट के अंदर हैं या लॉस के अंदर हैं ये कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी को पता चले इतने सारे लोग जो है शिबा इनू कॉइन को होल्ड कर रहे हैं तो लोगों को पता होना चाहिए कि कौन प्रॉफिट में चल रहा है कौन लॉस में चल रहा है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता तो मैंने एक शॉर्ट ऑडियो जो कि सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट की है आई थिंक, वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाली हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप जाके वो ऑडियो जरूर सुनिएगा, उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है और कैसे करना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी। थैंक यू वेरी मच, मेरा नाम है सर, आप देख रहे थे क्रिप्टो टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।